Hello friends! Once again, welcome back to our channel PharmaGyan. And today we will discuss about bobby Dick test in steam sterilizers. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share, and subscribe our channel PharmaGyan. Let's continue the video. So, which test to be performed for verification of air removal from steam sterilizer or autoclave? तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि हम परफॉर्म करते हैं स्टीम स्टेरिलाइजर में एयर रिमूवल के लिए या फिर ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमें बताता है कि जो स्टीम स्टेरिलाइजर का चैम्बर है उससे एयर जो एयर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है या नहीं तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बोविडिक टेस्ट बोविडिक टेस्ट टू बी परफॉर्म टू चेक द एफिंसी ऑफ एयर रिमूवल फ्रॉम द स्टीम स्टेरलाइजर ये बोविडिक टेस्ट किट एक बोविडिक टेस्ट किट होता है उसके अंदर इस टाइप की स्ट्रि स्ट्रिप्स होती हैं पेपर स्ट्रिप्स ये जो स्ट्रिप है येलो कलर की ये अनयूज स्ट्रिप है अगर इस स्ट्रिप, ये जो बोविडिक टेस्ट किट है इस पैक को हम स्टीम स्टेलाइजर में एक डेजिग्नेटेड देज प्लेस पर रखते हैं तो क्या होता है कि ये जो कलर है येलो येलो से यूनिफॉर्म ब्लू कलर अगर चेंज हो जाता है मतलब जो स्टीम स्टेलाइजर का चैम्बर है उससे एयर का रिमूवल जो है वो कंप्लीट एयर रिमूवल हुआ है मतलब इफ़िशियंट एयर रिमूवल जो हमारे स्टीम स्टेलाइजर की जो वैक्यूम प्रोसेस है प्री वैक्यूम परसेस उनके थ्रू एयर रिमूवल इफिशियंटली हो रहा है अगर जो यूनिफॉर्म कलर चेंज नहीं होता है जैसे बीच बीच में ये येलो स्पॉट्स रह गए हैं तो इस टाइप का अगर कलर चेंज आता है वो भी एक पर तो उसका मतलब ये है कि जो एयर का रिमूवल है स्टीम स्टेलाइजर चैम्बर से वो कंप्लीट एयर रिमूवल नहीं हुआ है कहीं ना कहीं पर कोल्ड स्पॉट्स और एयर बबल्स प्रेजेंट हैं तो ये एयर जो बोबिडिक टेस्ट है वो इसीलिए परफॉर्म किया जाता है कि जो स्टीम स्टेरिलाइजर है उसके अंदर से जो एयरस हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है एयर बबल्स एक टिपिकल एग्जाम्पल है स्टीम स्टेरलाइजर बोबिडिक टेस्ट किट का इस टाइप का बोविडिक टेस्ट पैक होता है और बोविडिक टेस्ट पैक को स्टीम स्टेलाइजर के जो ड्रेन है उसके पास में रखा जाता है कुछ हाइट पर एग्जाम्पल के लिए वेयर टू प्लेस द बोविडिक टेस्ट पैक इन स्टीम स्टेलाइजर चेंबर सो एन एयर रिमूवल टेस्ट पैक इज प्लेस्ड एट द लोकेशन वेयर एयर इज मोस्ट लाइकली टू बिकम एंड्रेंड इन द चें टिपिकली एट द बॉटम ऑफ ऑटोक्लेव एंड क्लोज टू द ड्रेन आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कहाँ पर रखते हैं तो जनरली जो uh, steam, uh, test है वो कहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर ज्यादा एयर एंट्रेप होने के चांसेस रहते हैं तो जनरली जो ज्यादा एयर एंट, का एंट्रेपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है ड्रेन के आस पास में इट इज इंपॉर्टेंट डेट द सेम प्री वैक्यूम पैरामीटर आर यूज फॉर एन एयर रिमूवल वेरिफिकेशन साइकिल and the प्रोडक्शन autoclave साइकल as दिस इज़ द ओनली वे the टेस्ट एक्यूरेटली मीजर्स the परफॉर्मेंस ऑफ the, the autoclave एयर रिमूवल फेज तो क्या होता है कि जब भी आप बोबीडिक टेस्ट साइकिल परफॉर्म करते हैं तो जो आपके रूटीन साइकल्स के पैरामीटर्स हैं वही सेम पैरामीटर्स आपके बे टेस्ट साइकिल्स के पैरामीटर्स होना चाहिए क्योंकि अगर दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो हम एयर रिमूवल इफिशेंसी का जो टेस्ट है वो एक्यूरेट नहीं कह सकते लोकेशन जो बोविडिक टेस्ट पैक है वो कहाँ पर रखना चाहिए उसकी लोकेशन जैसे ये मेरा ड्रेन है तो ड्रेन में ये मेरा लोकेशन है सॉरी ड्रेन में नहीं चैम्बर में, में मेरा जो बोविडिक टेस्ट पैक रखने का लोकेशन है वो ये है ये ट्रॉली है और ये मेरा चैम्बर इस चैम्बर में ये मेरा ड्रेन है इस ड्रेन के जस्ट ऊपर हमने ये बोविडिक टेस्ट पैक रखा हुआ है तो ये है लोकेशन बोविडिक टेस्ट पैक रखने की Thanks for watching Pharma please don't forget to like share and subscribe our channel Pharma